नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तो पॉजिटिव सोच लाने के लिए 5 मूल मंत्र हैं। क्या है पॉजिटिव थिंकिंग के लिए 5 मूल मंत्र हैं? विश्वास रखें कि खुशी एक प्रकार का विकल्प है और अपने लिए आपको चुन सकते हैं। हमेशा नकारात्मक भरी जिंदगी से दूर रहें। हर परिस्थिति और मुश्किल में सकारात्मक पात्र सोचें। हमेशा खुशियां दूसरों के साथ बांटें। सकारात्मक सोच वाले लोगों से जुड़कर रहें। सकारात्मक सोच के लिए बातें आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, पावरफुल बातें होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा अच्छा सोचिए, देखने का नजरिया बदल दीजिए, शिकायत मत करो, परेशानी के ऊपर फोकस मत करो, हमेशा हंसते रहो, जिम वगैरह जाओ, ध्यान करो, दूसरों को प्रोत्साहित करो, अच्छे गाने सुनो, सकारात्मक सोच वाली किताबें पढ़ो। यही विनाशकारी सोच से तो बिल्कुल बचना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई वो हमें परेशान कर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आप शायद ये भी सोच सकते हैं कि जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप फेल हो जाएंगे, तो ये विनाशकारी सोच है। तो विनाशकारी सोच की असुरक्षित भावना इतनी बढ़ जाएगी कि आप मानने लगेंगे कि आप कक्षा में फेल हो जाएंगे और फिर कॉलेज में आप ड्रॉप आउट हो जाएंगे, फिर आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी और आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। तो अगर आप नकारात्मक सोच को वास्तविक से सोचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि एकमात्र परीक्षा में फेल होने से ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे कोर्स में ही फेल हो जाएंगे और आपको कॉलेज से ड्रॉप आउट होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सोच को पॉजिटिव रखें, शांत जगह घूमने जाएं। जब शांत जगह पे आप ध्यान मग्न हो जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। अब इसके लिए आपको आउटडोर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी शांत जगह हो सकता है। आपको आशावादी जीवन व्यतीत करना है, अपने आप को बदलने के लिए समय देना है, शारीरिक तौर पर भी आपको बिल्कुल सकारात्मक रखना है। भले ही आप अभिनय करें लेकिन इस तरह प्रदर्शित करें कि आप वर्तमान में हैं, आप खुश हैं, आप प्रिय हैं और खुशहाल व्यक्ति हैं। वैसा ही अभिनय कीजिए यदि आप थोड़े परेशान हैं तो, कि जैसे कि आप होने की इच्छा रखते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मस्तिष्क इतना बदल जाएगा कि आप वास्तव में वैसे ही हो जाएंगे, आप हमेशा खुश रहोगे। पॉजिटिव सोच के लिए कुछ महत्वपूर्ण विचार होते हैं। सकारात्मक बनने को चुनना और एक अच्छा व्यवहार रखना ये तय करेगा कि आप किस तरह अपने आगे की जिंदगी जीने वाले हो। मेरा मानना है कि अगर आप भरोसा बनाए रखते हो, अपना विश्वास और अच्छा आचरण रखते हो, अगर आप आभारी हों तो आप ईश्वर को नए दरवाजे खोलते हुए देखोगे। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जैसे कि जब आप डोनेशन देते हो तो कोशिश करें किसी को पता ना चले। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब यह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सब्र बहुत ज़रूरी है। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा जिंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। हमेशा मान के चलिए ज्यादा सोचने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। सकारात्मक पुष्टि आपके आत्मसम्मान और शरीर की छवि को बढ़ा सकती है। छात्र बदमाशी या सामाजिक संघर्षों और बहुत कुछ बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम है। तो आप हमेशा ये सोच के चलिए कि मुझे अपनी खूबियों का मालिक बनना पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। तो मानसिक रूप से पूर्ण होने का अभ्यास कीजिए। अपने रचनात्मक पक्ष की खोज करें। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है, अच्छी सोच है, उसको बाहर निकालना है। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जितना ज्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, हमारे कुछ स्टार्स को ले लीजिए, जो हमारे फिल्मों में कुछ बड़े बड़े स्टार्स हैं, आप देखें कि उनके इर्द गिर्द इतना पॉजिटिव ऑरा होता है
क्यों उनके इर्द गिर्द रहने वाले सारे के सारे लोग बड़े खुश रहते हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ रहते हैं, उनका वो पॉजिटिव ऑरा है जो हमें अट्रैक्ट करता है। उसके दूसरी तरफ यदि आप नेगेटिविटी की बात करें तो आप कोई भी जो ज़्यादातर जिनके बदमाशी वगैरह जो लोग करते हैं तो उनके जो मित्र भी होते हैं वो मोर और लेस उसी टाइप के होते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो सोच ही नकारात्मक है। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना चाहिए। खुद की तुलना करना बंद कर दीजिए। खुद की तुलना करना है तो अपने उच्चतम से करें, उच्चतम से कि भाई मुझे वैसा बनना है। सबसे बेस्ट पार्ट वही है। सार्थक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हर काम को मजा लेकर कीजिए और सलाह सबकी लीजिए। सलाह आपको लेना है, करना वही है जो आपको अच्छा लगे। तो इतनी सारी चीजें हैं, सोचने के तरीके हैं, तो सकारात्मकता के चश्मे से देखना भी सीखें। मैं जैसा हूं वैसा ही संपूर्ण और संपूर्ण हूं। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हूं और वो मुझे नियंत्रित नहीं करते हैं। मैं इस दुनिया के लिए आत्मदया महसूस करने के लिए बहुत बड़ा उपहार हूं। और आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। बस चार पॉइंट है। चारों को देखिए। प्रदर्शन या महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। निराशा, क्रोध या चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं को संभालें। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाइए। आपके द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट जो हैं वो हमेशा चालू रखें। अपनी उत्पादकता बढ़ाएं और एक बुरी आदत पर काबू पाएं। बस सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छी होने लगेगी। तो यही सोच है, सकारात्मक सोच। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।